नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं केपी एक्सप्रेस में कराका की आज की सुर्खियों पर। संदिग्ध मंकी पॉक्स मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट का इंतजार, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। कर्नाटका में कांग्रेस की एम बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी, नेताओं से 2023 का चुनाव एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया। कैसे 2022 दस्तावेज सत्यापन @ke.car.nic.in 8 अगस्त से शुरू होगा। कर्नाटका और केरल में भारी बारिश से 13 लोगों की मौत। कर्नाटका में भारी बारिश से 7 की मौत, 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। कर्नाटका सरकार ने कैंसर संस्थान को 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिपोर्ट के पीयू स्कोर पर विचार नहीं किया जाएगा, कर्नाटका मंत्री सी एन अश्वथ नारायण ने कहा। कर्नाटका में भूस्खलन में 6 लोगों की मौत। जनहित याचिका में चाणक्य विश्वविद्यालय को 116 एकड़ आवंटित करने को चुनौती दी गई है। कर्नाटका में 1736 कोविड के नए मामले दर्ज। बांदीपुर के खाजी कुत्ते राणा का निधन मिला राजकीय सम्मान। सिद्धू ने सरकार से कहा, सबूत हो तो किसी भी संगठन को बैन करो। कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर, सिद्धू ने मनाया 75वां जन्मदिन। सचमुच कर्नाटका के दिल में दावणगिरी रैलियों के लिए एक भाग्यशाली स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश मॉडल का आह्वान कर्नाटका का अपमान है। केआरएस बैकवाटर्स में अगस्त से राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होगी। 2 साल बाद दशहरा फ्लावर शो की तैयारी शुरू हुई। नाटा के कुणिगल बाईपास के पास झील के ओवरफ्लो होने से सैकड़ों एकड़ में पानी भर गया। प्रवीण निटारू हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार। सिद्धरामैया के जन्मदिन समारोह में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।